हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बिफोर एंड अगो को लेकर है। बिफोर एंड अगो में क्या डिफरेंस होता है? दोनों का मतलब पहले होता है, लेकिन दोनों का एक्सप्रेशन अलग होता है। ये क्लास 12th में सिंटैक्स के पार्ट में आता है। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि किसी सेंटेंस में बिफोर लिखा है और वहां अगो आएगा तो ऑब्वियसली वो आपका क्वेश्चन रोंग हो जाएगा। तो इसके लिए चलिए देखते हैं कि क्या राइट वे है। अगो मीन्स भी पहले होता है, बिफोर मीन्स भी पहले होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? बिफोर का मतलब पहले, बिफोर 4 PM। मुझे 4 बजे से पहले काम करना है। आई वॉन्ट टू फिनिश माई वर्क बिफोर 4 PM। अगो का मीनिंग पहले होता है, लेकिन ये पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं। बिफोर को हम कहीं भी यूज कर रहे हैं, लेकिन पास्ट टेंस में ऐसे नहीं यूज कर रहे हैं। अगो, आई कंप्लीटेड माई वर्क 4 months अगो। 4 महीने पहले मैं अपना वर्क कंप्लीट कर चुका। तो इट मीन्स बिफोर एंड अगो दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन इनके एक्सप्रेशन अलग आ रहे हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि बिफोर एंड अगो पहले आपको शो कर रहे हैं, लेकिन इनके मीनिंग में, इनके एक्सप्रेशन में, इनके यूसेज में डिफरेंस होता है। एक निश्चित समय के लिए बिफोर यूज किया जाता है, उस टाइम से पहले। अगो का मीनिंग होता है उस टाइम, लेकिन पास्ट टेंस के लिए, जहां हम पास्ट टेंस यूज करते हैं। मेरी पहली वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। मैंने पढ़ा, मैंने खाना खाया, तो वहां पर आप पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, आपके यूज की है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेट कीजिए। यदि आपकी भी कोई क्वेरी है, आप कोई कहीं कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसी पर बनाने का ट्राई करूंगी। थैंक यू।